Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुलसुम नवाज ने 120 का इलेक्शन लड़ेंगी। आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज, मगर कुलसुम नवाज अचानक लंदन चली गईं। हल्के में इंतखाब 17 सितंबर को शेड्यूल, टिकट के मुताबिक वो 24 सितंबर को लाहौर वापस आएंगी। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने कहा है कि कुलसुम नवाज 3 रोज में वापस आ जाएंगी। टोटल ऑब्जेक्शन जो है ना भाई, वो 25 हैं। ये डेप्टी चेयरमैन थी और जिस तरह उनके मियां ने किसी किस्म की इनकम यहाँ से शो नहीं की, यही काम बीबी कुलसुम ने भी किया। माना वो मलका आलिया है, लेकिन मलका आलिया को भी फॉलो करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर। कहती हैं कुलसुम नवाज के कागजात पर 25 एतराजात लगाए गए हैं। कुलसुम नवाज FZE की डेप्टी चेयरमैन थी, कंपनी से हासिल आमदन जाहिर नहीं की। शरीफ फैमिली की नैब में तलबी। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज को कल बुला लिया गया। जराए के मुताबिक अजीजिया स्टील मिल्स के मामलात और हसन और हुसैन के असासे चेक करने के लिए डायरेक्टर नैब रावलपिंडी की सरबराही में 7 रुकनी टीम बना दी गई। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से फारिग, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए सदर के लिए बलूचिस्तान से सेनेटर सरदार याकूब नासिर को अबूरी सदारत के लिए नामजद कर दिया गया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। MKM बानी ने अपने कार्टूनों को पाकिस्तान के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाने का कहा, तरीक़ाकार भी बताया। कराची में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस ब्रीफिंग। अफसोस है, गलत काम उर्दू बोलने वालों के नाम पर किया गया। एतराफे जुर्म करने वाले करप्ट अफसरों को ओहदों पर कैसे बहाल किया गया? लगता है मुआशरे से इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। सिंध हाई कोर्ट करप्ट अफसरों की रजाकाराना रकम वापसी और ओहदों की बहाली पर बरहम। खबरदार, इंपोर्टेड चॉकलेट जहर भी हो सकता है। फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी में एक्सपायर इंपोर्टेड चॉकलेट का गोदाम पकड़ लिया। 31,000 पैकेज बरामद, गोदाम सील, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में 14 अगस्त को लापता होने वाले 7 साल सुभान की लाश मिल गई। गर्दन और सीने पर तेज धार आले के निशान। पुलिस ने 11 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। गुलुकारा हुमैरा अरशद और उनके शौहर अहमद भट्ट फिर लड़ पड़े। अहमद ने घर में घुसकर झगड़ा किया, बेटा छीनना चाहता है। पुलिस ने अहमद भट्ट को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया।